आपको एक अलग सा चित्र दिखाना चाहते हैं। इनका मॉडल कुछ और था, शीला जी का मॉडल कुछ और था। 20 साल पहले जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो अपने पति के कारोबार के लिए मैं यहां तुर्कमान गेट आती थी, तो तुर्कमान गेट पे रिक्शा से उतरती थी और फिर गलियों में जाती थी। छोटे से वहां पे उस समय कांच के मोती मिलते थे, तो उनको ढूंढने के लिए वहां जाती थी। फिर किनारी बाजार जाती थी किनारी ढूंढने के लिए, सदर जाती थी प्लास्टिक के थैलों को खरीदने के लिए। उस समय की दिल्ली याद है आपको? उस समय 98-99 की दिल्ली, उस समय भाजपा की सरकार थी, आपको याद था? याद है, ब्लू लाइन बसें थी, लोगों की हत्याएं होती थी रोज रोज, ट्रैफिक जैम पे ट्रैफिक जैम, मेट्रो नहीं था, सड़कें नहीं थी, अच्छी सड़कें नहीं थी, फ्लाईओवर नहीं थे। उस समय की दिल्ली के बाद शीला जी मुख्यमंत्री बनी, कांग्रेस की लगातार सरकार आई। आपने देखा कि किस तरह से, कितनी मेहनत से दिल्ली बनी। आज केजरीवाल जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की, सच्चाई तो यह है कि शीला जी के जो विकास का मॉडल था उस पर इन्होंने अपनी मॉडलिंग कर ली। अपनी वेबसाइट पे आपके घर की घंटी बजाकर मॉडलिंग कर रहे हैं, लेकिन असली इमारत तो शीला जी ने खड़ी की थी। ये कहते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारा मूल्यांकन हमारे काम से करिए। तो आज मैंने एक रिपोर्ट कार्ड बनवाया, पढ़ के सुनाती हूँ। छोटे छोटे बच्चे होते थे तो बहुत रिपोर्ट पढ़नी पड़ती थी, आज मैं इनकी रिपोर्ट पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने 36 स्कूल बनाए अपने शासनकाल में, हर साल 36 स्कूल। आम आदमी पार्टी ने हर साल 6 स्कूल। कांग्रेस पार्टी ने 10 कॉलेज बनाए, आम आदमी पार्टी ने 0। 4 विश्वविद्यालय बनाए कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने 0। 21 अस्पताल बनाए कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने 0। 22,000 अस्पताल के बेड कांग्रेस पार्टी ने बनवाए, आम आदमी पार्टी ने 3,000। कांग्रेस पार्टी के शासन में 602 मोहल्ला क्लिनिक होते थे, जिनका नाम उस समय मेडिकल डिस्पेंसरी होता था। अब इन्होंने नाम बदल दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, लेकिन इनके शासनकाल में सिर्फ 190 नई क्लिनिक बनी है। सड़कें की बात करिए, कांग्रेस पार्टी ने 5,000 किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कें बनाई दिल्ली में, आम आदमी पार्टी ने कितनी बनाई? 0। कांग्रेस पार्टी ने 6,500 बस नई लगवाई, आम आदमी पार्टी ने 3,800।